हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब चैप्टर की पूर्णाहुति हेटर हम जा रहे हैं। अब ये चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 7 बाकी है, मिसलिनियस और मिसलिनियस एग्जांपल बाकी है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एग्जाम्पल नंबर 21 की बात की थी आपसे, बराबर याद है ना? एग्जाम्पल नंबर 21 वो मैंने सॉल्व करवाया था, आप लोगों ने भी अच्छी तरह से देखा ही होगा, मैं ऐसा सपोज करता हूँ। सपोज करने में कुछ जाता भी नहीं है, अपना जेब में से कुछ नहीं जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 22, 3 इलस्ट्रेशन बाकी है, उसकी बात कर लेते। तो एग्जाम्पल नंबर 22, ओके, एग्जाम्पल नंबर 22 इस तरह से है बच्चे लोग। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द नंबर ऑफ द वर्ड अगेन। ये एक स्पेलिंग दिया है अगेन, इसका यूज करके आपको ये AGAIN इसका यूज करके आपको कितने वर्ड टोटल बना सकते हो, कितने वर्ड्स बना सकते हो वो आपको डिसाइड करना है। और इसके साथ लिखा है इफ दिस वर्ड आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द फिफ्थ वर्ड। यानी कि हम उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंजमेंट करेंगे तो फिफ्थ नंबर का वर्ड कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। इसका यूज करके आपको पूरा एक कितने वर्ड बन सकते हैं, कितने टोटल स्पेलिंग बन सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। तो अगेन AGAIN ये टोटल 5 लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 लेटर्स। ये 5 लेटर्स में A इज़ 2 टाइम्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, यानी कि जो अल्फाबेटिक रिपीट होता है उसको अपॉन में फैक्टोरियल लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 लेटर है, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे a 2 टाइम्स है इसलिए ये अपॉन में 2 फैक्टोरियल आएगा। इसका मैं सिंप्लीफाई दे देता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 2 × 1, 2 × 1 कट हो जाएगा तो 5 × 4 = 3 रहेगा, तो 23 × 60, यानी टोटल 60 स्पेलिंग बनेंगे। आप इसका यहाँ से यहाँ ऐसे अरेंजमेंट करते जाएंगे तो इसके पर से टोटल 60 स्पेलिंग बन सकते हैं, 60 वर्ड बन सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इसको आप डिक्शनरी क्रम में अरेंजमेंट करेंगे तो 50वां स्पेलिंग कौन सा होगा, 50th वर्ड कौन सा होगा वो आपको निकालना है। तो पहले तो आपका जो ये स्पेलिंग है AGAIN इसको आप अल्फाबेटिक के क्रम में, डिक्शनरी क्रम में अरेंजमेंट करेंगे तो पहले ए आएगा, उसके बाद फिर से ए आएगा, AA G ABCDEFGHIJKLMN, यानी डबल ए उसके बाद GIN ये क्रम में आएगा। तो इसका मीनिंग ये हो कि आप पहले ए से स्टार्टिंग वाले स्पेलिंग बना सकते हो। सबसे पहले जो स्पेलिंग बनेंगे ए से स्टार्टिंग वाले स्पेलिंग बनेंगे ऐसे, यानी कि यहाँ पे पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो ए फिक्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 प्लेस बनेंगे यहाँ पे ऐसे। तो द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 वर्ड्स है यानी कि 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। इसके बाद
ए के बाद नंबर लगता है जे का, तो द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ जे, उसके बाद आप जे से स्टार्टिंग करने वाले वर्ड्स बनाएंगे। अब जब आप जे से स्टार्टिंग करने वाले वर्ड जब बनाएंगे तब इसके अंदर फोर प्लेस तो बनेंगे, लेकिन ये जो फोर प्लेस के अंदर ए टू टाइम्स होगा, इसलिए फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, यानी फोर इंटू थ्री यानी कि 12 वर्ड्स। इसके बाद आई का नंबर लगता है, तो आई से स्टार्टिंग होने वाले कितने स्पेलिंग बनते हैं, आई से स्टार्टिंग करने वाले कितने स्पेलिंग बनते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे फोर प्लेस रहेंगे। ये फोर प्लेस के अंदर टू टाइम्स होगा, यानी अपॉन में टू फैक्टोरियल आएगा, तो फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल यानी कि फोर इंटू थ्री यानी कि 12 आएगा। यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर का मीनिंग ये होता है कि पहले ए से स्टार्टिंग वाले स्पेलिंग बनाने पड़ते हैं आपको, उसके बाद डिक्शनरी क्रम में जे आता है तो जे से स्टार्ट करने वाले, उसके बाद आई से स्टार्टिंग करने वाले, और उसके बाद एन से स्टार्ट करने वाले। लेकिन आप एन से स्टार्टिंग करने वाले वर्ड्स आप सोचिए तो वो कितने होंगे, वो भी 12 ही होंगे ना। एन से स्टार्टिंग करने वाले जो वर्ड्स होंगे बराबर, वो भी कितने होंगे, 12 ही बनने वाले हैं। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले 24 बना, उसके बाद 12 स्पेलिंग बने, उसके बाद और 12 स्पेलिंग, यानी कि टोटल 48 स्पेलिंग तो बन गए। मालूम पड़ता है ए से स्टार्टिंग वाले स्पेलिंग कितने बने, 24 स्पेलिंग बने। उसके बाद जी से स्टार्ट होने वाले 12 स्पेलिंग बने, आई से स्टार्टिंग होने वाले 12 स्पेलिंग बने। यानी कि अब एन से स्टार्ट होने वाले स्पेलिंग बनेंगे, उससे पहले समझो अच्छी तरह से, एन से स्टार्टिंग होने वाले जो स्पेलिंग बनेंगे उससे पहले 24 प्लस 12 प्लस 12 यानी 48 स्पेलिंग बनेंगे। कितने स्पेलिंग बनेंगे, 48। यानी कि अब आप एन से स्टार्टिंग वाले वर्ड सोचेंगे तो वो भी कितने आएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 12 बनेंगे। लेकिन वो 12 में से 49 नंबर का स्पेलिंग कौन सा होगा, एन डबल ए जी आई, ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर के क्रम के अकॉर्डिंग। उसके बाद 50वें नंबर का कौन सा हो जाएगा, ये जे और आई को आप इंटरचेंज करेंगे वो होगा, तो 50वां वर्ड्स कौन सा बन सकता है, एन डबल ए आई जे, बराबर। तो ये इस तरह से आप डिक्शनरी को अकॉर्डिंग आप इसका अरेंजमेंट इस तरह से कर सकते हो बच्चे लोग, बराबर। ये भी एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 23 की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 23 इस तरह से बच्चे लोग, हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 10 लाख है, सॉरी 10 लाख। हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4। ये डिजिट का यूज करके आपको 10 लाख से बड़े नंबर आपको बनाने हैं। तो लॉजिक लगाओ, 10 लाख से बड़ा जो नंबर होगा वो 7 डिजिट का ही होगा। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, 8 डिजिट का भी हो सकता है, करोड़ का भी हो सकता है, बहुत आगे आ जाए 10 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन किंतु परंतु हमारे पास तो ओनली 10 लाख वाला ही है, और हमारे पास डिजिट भी कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मेरे पास 7 डिजिट ही है। यानी 10 लाख से बड़ा जो नंबर बनेगा वो 7 डिजिट का ही होगा, 8 डिजिट का मैं नहीं बना पाऊंगा, कि 9 डिजिट का भी मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ओनली 7 डिजिट ही है, बराबर। ये 7 डिजिट का यूज करके मुझे 10 लाख से बड़ा नंबर बनाने हैं, कितने नंबर बनते हैं वो अपने को देखने का है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये नंबर का यूज करके
1202424, ये डिजिट का यूज करके सेवन डिजिट के कितने नंबर बनते हैं पहले वो डिसाइड करते हैं, बराबर। उसके बाद की बात करते हैं, द नंबर ऑफ सेवन डिजिट अरेंजमेंट। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि 2-3 टाइम्स से और 4-2 टाइम्स से, यानी कि 7 factorial upon 3 factorial into 2 factorial, तो 7, 6, 5, 4 3 factorial upon 3 factorial 2 factorial, यानी 2 into 1 3 factorial कट हो जाएगा, 2 3 जा यानी 420। यानी कि ये 7 digit का यूज करके आप 7 digit वाले कितने नंबर बन सकते हैं 420। लेकिन इसके अंदर 0 भी होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये 400 जो 20 नंबर बनते हैं उसमें सबसे पहले प्लेस में 0 भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे पहले में जो 0 हो तो वो तो 6 प्लेस वाला नंबर हो जाता है। अपने को तो 7 प्लेस वाले नंबर बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से स्टार्टिंग होने वाले जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट बाय फिक्स्ड 0 एट द एग्जैक्टिंग लेफ्ट पोजीशन, यानी कि 0 से स्टार्टिंग होने वाले जो ये नंबर है, बराबर, उसके बाद कितने रहेंगे, ये इतने जो प्लेस रहेंगे ना 7, यानी कि 6 प्लेस रहेंगे आपके पास। तो 0 से स्टार्टिंग होने वाले जो नंबर है उसको आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 नंबर बनेंगे, यानी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स 420 - 60, यानी कि 360, यानी कि 360 नंबर ऐसे बन सकते जो 10 लाख से बड़े हो गए। 10 लाख से कैसे हो गए, बड़े नंबर हो गए, बच्चे लोग मालूम पड़ता है मेरी बातें, बहुत अच्छी बातें हैं। चलो अब 23 नंबर का, अब 23 नंबर का सम इस तरह से, सॉरी 24 नंबर का, बच्चे लोग, इन हाउ मेनी वेव कैन 5 girls and 5 boys बी स्टार्ट नाउ, इन हाउ मेनी वेव्स कैन 5 girls and 3 boys बी सीट इन ए रो सो दैट क्या लिखा है, सो दैट नो 2 boys आर टूगेदर, कोई भी 2 boys साथ में नहीं आने चाहिए बच्चे लोग, अच्छी बात है ना, ऐसे अरेंजमेंट में तो आपको बहुत मजा आएगी, मुझे मालूम है ना, 5 girls है 3 boys है, जलसे ही जलसे है ना, ऐसी आपको अरेंजमेंट निकालनी है जिसमें दोनों बॉयज साथ में आने चाहिए नहीं, तो आप ऐसी अरेंजमेंट कैसे करेंगे रब, ऐसे अरेंजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लेट अस फर्स्ट सीट द 5 girls, बराबर, क्या करेंगे हम 5 girls का पहले अरेंजमेंट कर देते हैं। तो 5 girls का अरेंजमेंट कैसे हो, 5 girls ये पहले गर्ल्स के लिए, ये दूसरी गर्ल के लिए, ये तीसरी गर्ल के लिए, ये चौथी गर्ल्स, और यहाँ पे बैठ गई 5वीं गर्ल्स, यानी कि 5 प्लेस हुए गर्ल्स के लिए, कितने प्लेस 5 प्लेस, यानी कि 5 factorial, यानी कि 5 factorial से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, देयरफॉर 5 factorial। अब बॉयज कहाँ बिठाएंगे आप लोग, बॉयज बिठाने के लिए आपके पास कौन सी जगह है मालूम है, एक ये जगह पे आप बॉयज को बिठा सकते हो, यहाँ पे 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 बिठा सकते हो, और यहाँ पे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह पे आप बॉयज को बिठा सकते हो, मालूम है 3 boys है और 6 place है,
यानी कि ये सिक्स प्लेस के अंदर थ्री बॉयज को आपको बिठाना है। यानी इस तरह से आपको पहले लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट वी कैन अरेंज द ऑफ फाइव गर्ल्स, देयर फॉर फाइव गर्ल्स अरेंजमेंट फाइव फैक्टोरियल। उसके बाद बॉयज को अरेंजमेंट करना है थ्री बॉयज का अरेंजमेंट करने के लिए आपके पास कितने प्लेस है, सिक्स प्लेस है, यानी कि सिक्स प्लेस उसके अंदर थ्री बॉयज को बिठाना है, यानी कि सिक्स पी थ्री। अब टोटल अरेंजमेंट किस तरह से होगा, ये पूरी अरेंजमेंट आप किस तरह से कर पाएंगे, द नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू, यानी कि द नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू गर्ल्स का अरेंजमेंट फाइव फैक्टोरियल, बॉयज का अरेंजमेंट सिक्स पी थ्री। अब फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आपको मालूम है सिक्स पी थ्री के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल, याद है ना फॉर्मूला, एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल दैट इज अ फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, सिक्स फैक्टोरियल यानी कि सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे अपन में थ्री फैक्टोरियल आएगा, तो ये थ्री फैक्टोरियल ये थ्री फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ये 120, सिक्स फाइव ज़ा और फाइव फोर ज़ा 20, यानी कि ये 12, यानी कि 144 00। इतने तरीके से आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हो, मालूम पड़ा बच्चे लोग आपको। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 24, यानी अपने मिसलेनियस एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म हो गए, यानी कि ये चैप्टर के अंदर आने वाले जितने भी सम थे एग्जाम्पल वो सब खत्म हो गए। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करते हैं हम, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज इस तरह से है। चलो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 की बात करते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ द फाइव वॉवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर ये एक स्पेलिंग है, उसमें फाइव टू वॉवेल और थ्री कॉन्सोनेंट्स है, उसका यूज करके आपको कितने स्पेलिंग बना सकते हो उसकी बात करना है। कैन बी फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। देखो अब ये सम के अंदर ये जो सम है यानी कि ये जो स्पेलिंग दिया है डॉटर, इसके अंदर थ्री वॉवेल है ए यू ई और फाइव कॉन्सोनेंट है डी जी एच टी आर। अब आपको ये जो सम है ये परम्यूटेशन का भी है और कॉम्बिनेशन का भी है, यानी कि आपको पहले चॉइस करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, चॉइस करने के बाद उसको अरेंजमेंट करना है, क्योंकि आपको फाइव अल्फाबेट चॉइस करने हैं। लेकिन ये जो फाइव अल्फाबेट है उसमें से टू वॉवेल, ये थ्री वॉवेल है उसमें से दो वॉवेल आपको चॉइस करने की है, और फाइव कॉन्सोनेंट है उसमें से आपको थ्री कॉन्सोनेंट चॉइस करने के हैं, और उसके बाद फाइव जो प्लेस है उसका अरेंजमेंट फाइव फैक्टोरियल तरीके से होगा, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हो। द फर्स्ट वी कैन चूज द कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, और उसके बाद उसके लिए फाइव प्लेस बनेंगे,
पहले चॉइस करेंगे, उसके बाद उसको अरेंजमेंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 बराबर। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हो गया बच्चे लोग 2 वॉवेल हो गए और 3 कॉन्सोनेंट हो गए, और इसके अरेंजमेंट बनेगा 5 फैक्टोरियल तरीके से। यानी कि आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड इज इक्वल टू, पहले आप चॉइस करेंगे, उसके बाद अरेंजमेंट करेंगे, बराबर। तो 3 वॉवेल, उसमें से 2 वॉवेल को चॉइस करते हैं, 5 कॉन्सोनेंट है उसमें से 3 कॉन्सोनेंट हम चॉइस करते हैं, और ये जो भी आता है उसका हम अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि 5 फैक्टोरियल, यानी 3C2 × 5C3 × 5 फैक्टोरियल। अब 3C2 यानी कि 3 × 2 / 2 × 1, 5C3 यानी 5 × 4 × 3 / 3 × 2 × 1, और ये 5 फैक्टोरियल है उसका आंसर 120 है। अब यहाँ से ये 2 2 कट हो जाएगा तो 3 होगा, यहाँ से 3 3 कट यानी 20 / 2 यानी 10 × 120। अब इसका आप सभी का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये 10 है, 12 × 3 = 36 और 2 जीरो लगा देते, यानी कि 3600 नंबर बनेंगे। मालूम पड़ा बच्चे लोग, यानी कि इसके अंदर दोनों बातें थी, पहले चॉइस करने का उसके बाद अरेंजमेंट करने की थी। चलो अब आगे का क्वेश्चन, हमारा आगे का क्वेश्चन इस तरह से, हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टूगेदर। यानी कि ये जो स्पेलिंग है ना इक्वेशन का, ये स्पेलिंग एट ए टाइम सो दैट द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अकर टूगेदर, यानी कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल एक साथ में आने चाहिए, इस तरह से आपको अरेंजमेंट करने की है। तो किस तरह से आप इसके अरेंजमेंट करेंगे, देखो ये जो स्पेलिंग है इसके अंदर वॉवेल ई ए आई ओ ई ए यू यू भी है, 5 वॉवेल्स है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, क्यू टी एन, 3 कॉन्सोनेंट्स है। आपको क्या करना है, 2 टाइप के इस तरह से होगा, ये वॉवेल्स 5 वॉवेल्स 1, 2, 3, 4, 5 ये साथ में आने चाहिए, यानी 5 वॉवेल्स का एक ही प्लेस, 5 वॉवेल्स का एक ही प्लेस, और 3 जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है उसका एक प्लेस। आपके पास ये जो 5 वॉवेल्स है उसका एक प्लेस, और ये जो 3 कॉन्सोनेंट है उसका एक प्लेस, यानी कि अब टोटल प्लेस कितने हुए, 2 प्लेस हो गए। अच्छी तरह से समझना, 5 वॉवेल्स का एक प्लेस और 3 कॉन्सोनेंट का एक प्लेस, यानी 2 प्लेस हो गए। 2 प्लेस की अरेंजमेंट यानी 2 फैक्टोरियल, 2 प्लेस की अरेंजमेंट यानी 2 फैक्टोरियल, और ये जो 5 वॉवेल्स है उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना अंदर अंदर, यहाँ पे इंटरचेंज होते रहेंगे ना, ये यहाँ पे बैठेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो उसकी अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल।
इस तरह से ये तीन कॉन्सोनेंट है, उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इसकी अरेंजमेंट होगी वो 3 factorial होगी, यानी 5 vowels का अरेंजमेंट 5 factorial, 3 consonant की अंदरों अंदर की अरेंजमेंट अंदरों अंदर यानी कि इंटरचेंज 3 factorial, और ये 2 place है उसका 2 factorial। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे, देयरफॉर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कैन बी पुट टूगेदर इन इनके 2 place यानी 2 factorial, 5 vowels का 5 factorial, 3 consonant का 3 factorial। तो इस तरह से अरेंजमेंट हुई। अब इसका सभी का सिंप्लीफाई हम दे देते हैं, तो 2 factorial का आंसर 2 आएगा, 5 factorial का आंसर 120, 3 factorial का आंसर 6 आता है, 6 2 12, 12 multiply 12 यानी कि 104, 44 और 10, यानी कि इतने स्पेलिंग बन सकते हैं। क्लियर? यानी इक्वेशन जो स्पेलिंग है उसका यूज़ करके, इसमें 3 5 vowels और 3 consonant का यूज़ करके आपको इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इस तरह से है। ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 boys एंड 4 girls। आपको कमेटी बनानी है। कमेटी कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 7 लोगों की, 7 people होने चाहिए कमेटी के अंदर। आपके पास 9 boys है एंड 4 girls है। इन हाउ मेनी वेव्स कैन दिस डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls। आपको कमेटी जो बनानी है बच्चे लोग, उसमें एग्जैक्टली 3 girls हो, ऐसे कितनी कमेटी बन सकती है? दूसरा क्वेश्चन है, at least 3 girls हो, ऐसे कितनी कमेटी बन सकती है? तीसरा क्वेश्चन है, at most 3 girls हो, ऐसे कितनी कमेटी बन सकती है? तो आपको 7, ए कमिटी ऑफ 7 एज कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि 7 लोगों की कमिटी बनानी है, उसमें 9 boys है और 4 girls है। 9 boys एंड 7 girls है, लेकिन आपको जो कमिटी बनानी है वो 7 लोगों की बनानी है। कमिटी हमको जो कमिटी हम बनाएंगे वो कमिटी हैज 7 people, 7 लोगों की अपने को टीम बनानी है, कमिटी बनानी है। उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, एग्जैक्टली 3 girls, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एग्जैक्टली 3 girls वाली कितनी कमिटी बनेगी हम उसकी बात करेंगे। तो आपके पास बच्चे लोग 9 boys है और गर्ल्स कितनी है? 4 girls है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको इसमें से 3 girls चॉइस करने हैं। कितनी गर्ल्स? 4 में से 3 girls आप चॉइस करेंगे। तो बॉयज कितने लेंगे आप? 4 boys का चॉइस करेंगे, 4 boys चॉइस करेंगे और 3 girls, तभी तो 7 लोगों की कमिटी बनेगी। बराबर? यानी कि इस तरह की चॉइस ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि द हैंस द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्मिंग ए कमिटी
फॉर्मिंग ए कमिटीज तो 9 बॉयज में से 4 बॉयज चॉइस करेंगे, 9 में से 4 बॉयज चॉइस करेंगे और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स हम चॉइस करेंगे। अब 9C4 उसका आंसर 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1। 4C3 का आंसर तो 4 ही आएगा, आपको वेरीफाई करना हो तो कर सकते हो। 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2। 9 × 2 = 18 × 18 × 7 × 4 यानी कि 18 × 20 = 14 करेंगे तो 504 आएगा आपका आंसर, 504 वेव्स। इतने तरीके से आप कमिटी बना सकते हो। कैसी कमिटी होगी ये? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होगी ऐसी कमिटी, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अब इसके अंदर दूसरी बात है, हमारे यहां पे एटलीस्ट 3 गर्ल्स, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है एटलीस्ट। एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाली कितनी बनेगी कमेटी उसके हम बात करते हैं। तो बॉयज गर्ल्स अच्छी तरह से सोचना बच्चे लोग, आपके पास 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स है और टोटल आपकी जो कमेटी बननी चाहिए वो 7 लोगों की कमेटी बननी चाहिए अपने को, बराबर। तो एटलीस्ट मेरे पास एटलीस्ट 500 रुपीज है, मेरे पास एटलीस्ट 500 रुपीज है, इसका मीनिंग क्या होगा? मेरे पास 500 रुपीज भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, एटलीस्ट का मीनिंग तो वही होगा, बराबर। यानी कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स भी होनी चाहिए कमिटी में, या तो 4 गर्ल्स भी हो सकती है, बराबर, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है क्योंकि आपके पास ओनली 4 ही गर्ल्स है, बराबर। आप माना कि आपने 3 गर्ल्स ली तो बॉयज कितने लेंगे? 4 लेने पड़ेंगे ना बॉयज, तभी तो टोटल 7 पीपल की कमिटी बनी, बराबर। यदि आपने 4 लड़कियां पसंद कर ली तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे बच्चे लोग? 3, तभी तो टोटल 7 बनेगी कमिटी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे 2 केस बने, 9 में से 4 यानी कि 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, या तो 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो टोटल कमिटी इस तरह से यहां पे बनेगी ये अरेंजमेंट में। टोटल कमिटी 9C4 एंड 4C3, 9 में से 4 बॉयज एंड 4 में से 3, या तो 9 में से 3 बॉयज और 4 में से 4। अब 9C4 उसका जो आंसर आता है वो 9C4 और यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हो 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1। 4C3 का आंसर 4 है, 9C3 यानी 9 × 8 × 7 3 × 2 × 1। 4C4 का आंसर 1, आपने यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई ऊपर ही दिया था, 504 आता है। यहाँ पे 3 × 3 = 9 = 4, अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है और इन दोनों का एडिशन करते तो 588 वेव्स। यानी इतने तरीके से हम कमिटी को बना सकते हैं, एट अ लिस्ट 3 गर्ल्स, बराबर। अब इसके अंदर एक तीसरा भी क्वेश्चन है बच्चे लोग,
तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है, एट मोस्ट थ्री गर्ल्स, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, एट मोस्ट थ्री गर्ल्स। मेरे पास एट मोस्ट 500 रुपीज हो गए, मेरे जेब के अंदर एट मोस्ट 500 रुपीज है, यानी इसका मीनिंग होता है कि 500 से ज्यादा नहीं होंगे, 500 से कम होंगे लेकिन उससे ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं होगा एट मोस्ट। तो वही लॉजिक अपने को यहां पे अप्लाई करना है कि मेरे यहां पे ये कम्युनिटी के अंदर एट मोस्ट 3 गर्ल्स होगी, बॉयज गर्ल्स 9 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, तो आपके पास 3 गर्ल्स हो सकती है, 3 गर्ल वाली 3 लड़कियों वाली कमेटी बना सकते हो, 2 लड़कियों वाली कमेटी बना सकते हो, या तो 1 लड़की वाली कमेटी बना सकते हो, या तो 0 लड़कियां वाली कमेटी बना सकते हो, बराबर। इसका मीनिंग यही होगा ना, यदि आपने 3 लड़कियां पसंद कर ली तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 4। यदि आपने 2 लड़कियां पसंद कर ली तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे, 5। यदि 1 लड़की आपने पसंद कर ली तो 6 लड़के पसंद करने पड़ेंगे, यदि आप 1 भी लड़की पसंद नहीं करते हो तो सब हनुमान जी जय श्री राम की, सब हनुमान पसंद करने पड़ेंगे, बराबर। तो कितनी कमेटी बनेगी यहाँ पे, तो टोटल कमेटी कितनी बनेगी, तो 9C4 4 लड़के एंड 3 लड़कियां, या तो 5 लड़के 2 लड़कियां, या तो 6 लड़के या तो 1 लड़की, या तो 7 लड़के 1 भी लड़की नहीं। आप इन सभी का सिंप्लीफाई दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे लोग, इन सभी का सिंप्लीफाई आपको जो मेथड जो भी आपको आती है उस तरह से आपको कर देना है, 9C4 4C3 आपको सभी को मालूम है, मैं सिंप्लीफाई नहीं देता हूँ, आपको सिंप्लीफाई देना है बच्चे लोग। मैं तो सीधे सीधा आंसर की ओर जाता हूँ, 36 प्लस 336 प्लस 756 प्लस 504, तो इन सभी का टोटल हम एडिशन करेंगे तो 1632 इतने कमेटी बनेगी, 1632 तरीके से हम कमेटी को हम बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर क्या लिखा है, लिस्टेड इन अ डिक्शनरी एंड हाउ मेनी वर्ड आर इन दिस लिस्ट लेटर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। यानी कि ये जो एग्जामिनेशन का ये जो स्पेलिंग है उसमें से ई से स्टार्टिंग होने वाले, इससे स्टार्ट होते उससे पहले बिफोर लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट स्टार्टिंग विथ ई, यानी ई से स्टार्ट होते उससे पहले कितने स्पेलिंग बनेंगे, ई से स्टार्ट होते उससे पहले कितने स्पेलिंग बनेंगे वो आपको डिसाइड करना है। एग्जामिनेशन ये जो पूरा स्पेलिंग है इसमें टोटल 11 अल्फाबेट है, टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 11,
11 लेटर है, ये 11 लेटर में ए 2 टाइम्स है, एन भी 2 बार है और आई भी 2 बार है, आ गया आई, ये रहा आई, आई 2 बार है, एन भी 2 बार है और ए भी 2 बार है, बाकी सब सिंगल है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप सोचिए, ये एग्जामिनेशन जो स्पेलिंग है उसमें सबसे पहले ए से स्टार्टिंग होने वाले क्या स्पेलिंग बनेंगे ना, एफ बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद आई वाले बनेंगे, एफ बी सी डी ई सॉरी ई वाले आएंगे, ए उसके बाद ई वाले आएंगे स्पेलिंग, उसके बाद आई वाले, बराबर इस तरह से जाएगा। अगर आप इसके डिक्शनरी क्रम के अकॉर्डिंग आप लिखिए ये पूरा स्पेलिंग, तो पहले ए वाले स्पेलिंग आएंगे, उसके बाद ई वाले स्पेलिंग आएंगे, उसके बाद आई वाले स्पेलिंग आएंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन ये है, आपको क्या निकालना है बच्चे लोग, मालूम है कि ई से स्टार्टिंग होते उससे पहले कितने स्पेलिंग बनते हैं, तो ई से स्टार्ट होते उससे पहले ए से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे ना, ए से स्टार्ट वाले अपने पास स्पेलिंग बनेंगे ना। ये अल्फाबेट मैंने लिखा है डिक्शनरी क्रम के अकॉर्डिंग, यानी ई से स्टार्ट होते उससे पहले ए से स्टार्टिंग वाले क्या बनेंगे, कौन से स्टार्टिंग से, ए से स्टार्ट होने वाले स्पेलिंग बनेंगे। अब ए से स्टार्ट होने वाले जो स्पेलिंग बनेंगे तो ये जितने भी है वो सब 10 प्लेस हो गए, ये कितने प्लेस हो गए, 10 प्लेस। इसके अंदर आपके पास ए 2 बार है, एन भी 2 बार है और आई भी 2 बार है, यानी ए से स्टार्टिंग होने वाले, ए से स्टार्टिंग होने वाले स्पेलिंग कितने बनेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे, द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ए इज इक्वल टू, यानी कि 10 प्लस यानी 10 फैक्टोरियल, इसमें 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई 2 बार है और एन 2 बार है, लेकिन ए 2 बार था लेकिन उसने एक ए ने तो अपना स्थान फिक्स कर दिया है, इसके बाद जो आएगा वो इसके अंदर तो ए एक ही बार होगा, इसके अंदर ए कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। अब इसका सिंप्लीफाई दीजिए, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 इंटू 1 यानी कि आप इसका 2 2 4 डायरेक्टली कट कर दो, ये 2 2 4, तो ये कैलसी से आप करेंगे तो 9,07,200 इतने आते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, देन ई कम्स इन द डिक्शनरी, उसके बाद डिक्शनरी के क्रम में ई आएगा। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि ई के पहले कितने वर्ड्स बनेंगे, तो 1,07,200। ओके स्टूडेंट, यानी कि देयर आर, ये लास्ट में क्या सेंटेंस लिख देने का, 9,07,200 वर्ड्स बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होते उससे पहले इतने स्पेलिंग बनेंगे। तो आज हम बच्चे लोग यहां तक रखते हैं बात, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, 11 सम है टोटल, 4 तक तो मैंने करवा दिए, अब इसके बाद के 6 सम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद ये अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से होमवर्क करना, नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे फ़ोन कीजिए, मेरा संपर्क कीजिए, मैं आपको तुरंत ही उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, बाय।